खबर छपरा बिहार से, जहां अमनौर प्रखंड के रसूलपुर पावर सब स्टेशन का शनिवार को स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि रसूलपुर में पावर ग्रिड न होने से यहां के लोगों को बिजली की सेवाओं में कठिनाइयां आती थी। पावर सब स्टेशन के निर्माण से रसूलपुर, हुस्सेपुर तथा तरवार पंचायत में बिजली की सप्लाई निर्बाध रूप से होगी। पहले इन पंचायतों में बिजली की आपूर्ति पढ़ा फीडर से होती थी, जो अधिक दूरी होने के कारण बिजली आपूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस मौके पर मुख्य रूप से विधायक मंटू सिंह, कार्यपालक अभियंता पूर्वी मदन कुमार, बिहार ग्रेट फील्ड ऑफिसर दिगंबर कुमार, जेई अमित कुमार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष निरंजन शर्मा, भाजपा नेता अनिल कुमार सिंह, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री जितेंद्र सिंह, अमनौर दक्षिणी मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सोनी, मुखिया श्याम सुंदर गिरी, मुखिया सुधीर सिंह, पूर्व मुखिया नागेंद्र प्रसाद भूटेल सिंह, पैक्स अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, सोन सिंह ब्रह्मागिरी, राजकुमार महतो आदि भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं पावर सब स्टेशन के उद्घाटन के बाद छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। बिजली का बेहतर और गुणवत्ता वाला बिजली आज से चालू हो रहा है। हमारे रसूलपुर पंचायत को काफी लाभ मिलेगा, बिजली का अति उत्तम व्यवस्था हो जाएगा, जिस वजह से किसान को सिंचाई के लिए और जो बिजली उपकरण से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उन सभी को लाभ मिलेगा और हर घर में उजाला होगा। हर घर के व्यक्तियों को बिजली का काफ़ी लाभ मिलेगा। हम लोग काफ़ी दिन से इसमें सोच रहे थे, लगे हुए थे सब लोग। आज बहुत ही खुशी का बात है कि हमारे माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी, विधायक श्री मंटू सिंह जी, इन लोगों के अध्यक्षता में आज इस ग्रिड का उद्घाटन हुआ और इस ग्रिड का लाभ हमारे रसूलपुर पंचायत, हुसैपुर पंचायत, तरवार पंचायत, इन सभी पंचायतों को मिलेगा। और क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर गिरी, मैं वर्तमान में रसूलपुर पंचायत का मुखिया हूँ।